हेलो सब गाइस, तो कैसे सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग चल रहे हैं कार ड्राइविंग ऑनलाइन, जिसपे अपने न्यू दिल्ली का भी मैप हमें मिल रहा है। लॉस कार गियर की पता नहीं कौन सा ये मैप है, हम लोग न्यू दिल्ली का मैप है, अपने इंडिया का ही मैप खेलने वाले। इसके अंदर हमें पूरा दिल्ली देखने का भी मिलने वाला है, दिल्ली का गेट ऑफ इंडिया वगैरह, इंडिया गेट वगैरह सब कुछ हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे अपनी कार देख सकते कितनी लग्जरियस कार लग रही है। तो फटाफट से इस कार में बैठते हैं और निकलते हैं। तो वैसे आप, मुझे फिलहाल जाना है कहाँ आपको बताता हूँ मैं, धीरे धीरे सब बताऊँगा। पहले हम पूरी सिटी को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें क्या किस तरह के मिशन से क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता इस गेम के बारे में। एक एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। तो इसे चलाते हैं फटाफट, पहले तो चल जा आपने ये अपना इंडिया गेट। तो फटाफट से इंडिया, तो गाइस देख सकते हैं आप, इसकी हैंडलिंग है, इसका जो रोड की साइड है वो सब इंडिया की तरह दिख रही है। मतलब इसके जो मेकर्स है उन्होंने इस गेम पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो हर चीज़ इंडिया के आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगी। मतलब इसके इंडिकेटर देखो, इसके ब्रेक, इसका इंजन चालू करने के लिए भी अलग से ऑप्शन है, या स्टार्ट इंजन। और गाइस एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ रिवर्स लेना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। ओके, गलती से रॉन्ग साइड चला गया था, मैं ध्यान में ही नहीं, क्योंकि जब भी गेम खेला हूँ मैंने राइट लेफ्ट साइड का ही खेला है, राइट साइड का तो पहली बार, सॉरी लेफ्ट साइड का, राइट साइड का ही खेला है, लेफ्ट साइड का पहली बार खेला हूँ। और इसकी कार पलट चुकी है, सोचा था कार ले लूँगा लेकिन कार ही पलट गई। कोई बात नहीं, अपनी इस कार, ये कार मिलेगी क्या मुझे, ट्राई करते एक बार। ओ भाई साहब, नहीं यार मुझे कार क्यों नहीं मिल रही, शायद तो इस गेम के कुछ अलग ही है रूल्स है। कोई बात नहीं, जो मिला है उसी में हम खुश है। तो अपनी इस कार को लेते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब हमें गेट ऑफ इंडिया देखना है, इंडिया गेट देखना है, तो फटाफट चलते हैं इंडिया गेट के पास। और एक मिनट, और भाई साहब बस वगैरह का टैक्सी का देखो, उसके रोड वगैरह सब GTA 5 की था। ओ भाई साहब बच गया। एक बार ट्राई करते हैं कार हमें मिलती है क्या, शायद मिलनी चाहिए बट नहीं मिल रही है, बहुत नखरे इस कार के। तो कोई दोनों साइड से ट्राई कर लिया बट हम लोग इसके अंदर बैठ ही नहीं रहे। तो कोई बात नहीं, अपनी कार लेके निकलते हैं यहाँ से फटाफट, बाद में क्या है देख लेंगे। तो गाड़ी से देख सकते हैं, मतलब इसका कुछ अलग ही सीन है। कार में बैठे रहा, मुझे यूट्यूब पर रिसर्च करनी पड़ी, और ये खुल रहा है सामने का। ओ भाई साहब ये खुलता भी है क्या, क्या भी पता चला ये बात। तो कोई बात नहीं, कार में बैठे निकलते हैं सीधा अपने गेट ऑफ इंडिया के लिए देखने के लिए, इंडिया गेट के लिए। तो गाइस ये आ चुका है, और गाइस कितना बड़ा गेट है, बंदे की हाइट कितनी होगी जिसने गेट बनाया है। चलो फटाफट चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर जा सकते हैं क्या हम लोग, शायद हम लोग अंदर जा सकते हैं। नो भाई साहब नहीं जा सकते, शायद यहाँ पे कुछ ये लगी हुई है, रॉड लगी हुई है, तो अंदर तो हम नहीं जा सकते, इसे बाहर से ही देखना पड़ेगा। चारों तरफ से घूमते हैं, देखते हैं क्या है आखिरकार सीन क्या है, और इस साइड क्या है ये, वैसे यहाँ पे भी कुछ है तो देखेंगे बाद में क्या है। चलो इस साइड जा देखते क्या रोड है, तो घूमते पूरे, मतलब मज़े लेते अपने इंडिया के। ये बताया गया खाली इंडिया का है, पर साइड से निकलते हैं, तो भी इंडिया में हम लोग को आदत ही है, जब भी हम देखते कहीं रोड बनते साइड से निकल जाते हैं। तो चलो अभी इस साइड से देखते हैं कुछ दिखता है क्या हमें, अच्छा कुछ अच्छा देखना है, अच्छा यार कुछ नेक्स्ट लेवल। तो भाई साहब वैसे अब कार का कंट्रोल, इस साइड भी रोड बने तो एक कोने से निकलते हैं, इस साइड से निकलते चलो। ओ भाई आराम से निकल जा, बिना क्रैश हो गए निकल गए। ये GTA Vice City GTA San Andreas या GTA 5 होता तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती इसे निकालने के लिए। कोई बात नहीं, अब तो ये आराम से निकल चुकी है। ओह तो मुझे आराम से सोच के गाड़ चलाना पड़ेगा। ये अपने टॉमी का घर लग रहा है सामने का, ये GTA Vice City में होता है बट नहीं, अलग है। ओ भाई साहब भी उसको ठोकने वाला था मैं, और यहाँ पे क्या है यहाँ से शॉर्टकट होगा मेरे हिसाब से। एक मिनट, ये शॉर्टकट नहीं है, ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग कट घूम कर आ गया। ओ भाई साहब आप गाड़ी को फिर से रिटर्न घुमा कर जाना पड़ेगा मुझे। ओ भाई शिट यार, कहाँ से मुझे यहाँ से जाना है। ओके अब भगाते अपने गाड़ी को, एक मिनट मैं यहाँ से नहीं यहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना है। ओ भाई साहब मिल गया मुझे, मैं यही ढूंढ रहा था कब से। अब देखते हैं क्या है, मतलब सीन मैं खास आया था यही चीज़ देखने के लिए और मैं भटक गया। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अब चलते हो भाई साहब। ठोक दिया बट मैं टूट नहीं रहे, और टूटेगा कैसे, हमारे इंडिया का माल है, इंडिया का माल टूटा थोड़ी ना है। तो गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड है इसे चलाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मुझे। तो गाइस से पूरा सर्कल मारते देखते हैं, यहाँ पे कुछ अलग देखने के लिए मिल जाता है क्या। और वो सामने क्या था, हाँ वो गुंबद टाइप, उसे जाकर देखते हैं वो क्या है, वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई अभी तक कि वो है क्या। तो फटाफट चलते हैं उस साइड और देखते हैं कि वो क्या है। तो गाइस चलते हैं उस साइड और सीधा ये अब।
तो एक मिनट ब्रेक मारना पड़ेगा, अब शायद पानी है आगे, आराम आराम से देखते हैं क्या है। यस यस पानी है, मुझे लगा ही था पानी है आगे और पानी ही निकला। तो कैसे आराम, ओ भाई साहब नीचे गिर गया, मैं मरना नहीं मुझे मरना, एक मिनट क्या सीन है, अंदर गिरा लेकिन मरा नहीं मैं। ओ कोई कोई तो कैसे उस जाने का कोई रास्ता, पानी के टेक्स्चर देखो सब नेक्स्ट लेवल दिख रहे हैं मुझे तो GTA 5। वहाँ पर ऑप्शन है जाने का, स्टेमिना आउट हो चुका है, हमें मुझे जिम जाना पड़ेगा, देखेंगे जिम कहाँ है। पहले यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, मुझे 500 CR मिलेंगे मुझे अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो। सीक्रेट फंड है ये, मुझे इजीली मिल जा रहा है। चलो देखते हैं, रुकते हैं, अपना सीक्रेट फंड लेकर यहाँ से निकलते हैं अब। तो कैसे मेरा सीक्रेट फंड हो रहा है, हो जा जल्दी यार, हो जा हो जा हो जा। तो कैसे अपना सीक्रेट फंड भी हो चुका है फिनिश और मिसाल से मुझे मिल चुके, ओ भाई साहब 500 CR मुझे मिल चुके हैं, 500 CR जो अपने हो चुके हैं। फटाफट चलते हैं यहाँ से ऊपर अभी। तो गाइस मैं अपनी कार का आ गई, मेरी कार में से उस साइड रह गई है, और सॉरी इस साइड अपनी कार है, अपनी कार लेते हैं सीधा निकलते हैं अब। तो गाइस देख सकते हैं कि मुझे जिम ढूंढना पड़ेगा पहले किधर साइड है, तो मैं अपने हाथ जिम दिख गया, तो फिर लोकेशन मार्क करते हैं और चलते फटाफट जिम और थोड़ी सी बॉडी वगैरह कर लेते हैं, तो अपना स्टेमिना बढ़ा लेते थोड़ा सा। तो अपनी कार में बैठे, एक मिनट डिक्की बंद करता हूँ पहले, मैं एक मिनट कैसे बंद होती है पता नहीं, बंद ही नहीं हो रही थी। चलो वो भाई मुझे ठोक दिया गया, ठोक नहीं दिया कोई बात नहीं। अब फटाफट चलते हैं अपनी जिम के साइड और मुझे इस पर दिखना पड़ेगा रास्ता, क्योंकि गेम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, इस साइड से शायद जाना है। तो गाइस मुझे इस साइड से बराबर स्लोली अपनी कार को चलाते चलाते जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइस मुझे से हाँ, तो गाइस मैंने हिसाब से अब सही रूट चूज़ कर लिया है मैंने। और भाई साहब कार जो मुझे सोच समझ के धीरे धीरे चलानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो गाइस मुझे रूट जो सही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर से उधर हो गया ना, गलत रोड पे चला गया, तो पूरा मुझे उल्टा घुप के आना पड़ेगा, मुझे सोच समझ के कार चलानी पड़ेगी अपनी। ड्राइविंग तो मेरी थोड़ी सी परफेक्ट हो चुकी है इस गेम की। एक मिनट शायद गलत चला गया मैं, नहीं बराबर रोड पर ही हूँ मैं, बट हिस्सा जाना है ना मुझे। एक मिनट शायद गलत टर्न ले लिया है, वापस घुमाते अपनी कार को। तो गाइस इस हिसाब से मैं गलत रूट पे आ गया था, अच्छे से टर्न मारते हैं। हाँ तो गाइस अब सही रूट पे हूँ मैं, प्रॉपर से अपनी कार को दौड़ाते हैं और निकलते सीधा अपने जिम के लिए। और गाइस एक मिनट गाइस यार थक गया, फिर से रिवर्स लेना पड़ेगा आप मुझे कार को। तो गाइस शिट यार फिर से अभी एक मिनट। तो गाइस कार जो पूरी सामने से चिम चुकी है, तो कुछ बचा ही नहीं सामने का हिस्सा, कोई बात नहीं, अब मुझे सही से सोच समझ से अपनी कार को चलाना पड़ेगा, ताकि परफेक्टली अपनी कार वहाँ तक पहुँच जाए, जाता मुझे इस कार को पहुँचाना है। और ये देखो फिर से मैं राइट साइड पे हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, बट ये राइट साइड ही है। और सीधा दौड़ाते अपनी इस कार को, तो कहीं सीधा फास्ट कार को सीधा दौड़ाते, एकदम फास्ट फुल स्पीड में चलाते इसे, और जिम में पहुँच चुका हूँ। चलो इस कार को पार्क करते हैं यहाँ पे, चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या करना है मुझे। सबसे पहले मुझे अपना स्टैमिना बढ़ाना होगा, बस दूसरा कुछ नहीं काम, सिर्फ स्टैमिना ही बढ़ाना है। तो गाइस चलते हैं अब जिम के अंदर और देखते हैं क्या है जिम के अंदर, कैसा है जिम के अंदर। तो गाइस चलते फटाफट से जिम के अंदर और देखते हैं कि क्या है जिम के अंदर। तो गाइस मैं जिम के अंदर तो आ चुका हूँ, बट मुझे आसपास कोई दिख तो नहीं रहा है, तो मैं सबसे मैं जाना किस साइड है मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सबसे एक साइड देखते क्या है, उस साइड है रास्ता है यहाँ पे कोई, तो और कैसी है अपना जिम। तो चलो फटाफट से करते हैं, फटाफट जिम और निकलते हैं यहाँ से। मुझे किस तरह से करना है, सबसे मुझे एक को प्रेस करना है या दूसरे को छोड़ना है यार, इस टाइम मुझे 30 मिनट तो समझ में। हाँ तो दोनों को प्रेस करके रखना है मुझे, एक मिनट वो क्यों नहीं। हाँ चलो अब मेरा स्टैमिना जो फुल होना चाहिए, तो फटाफट से अपना प्रेशर करते हैं तो अपना स्टैमिना बढ़ाते हैं। हाँ तो गाइस अपना जिम करके जो पूरा हो चुका है, तो अब आसपास में क्या है, यहाँ पे भी एक है इस साइड का है, तो यू विल ट्राई इट बैम बैक लेटर। वो भाई साहब नहीं हो रहा है, थोड़ा आगे देखते हैं जाकर। सबसे मेरा स्टैमिना जो है इस वक्त फुल हो चुका है, तो मुझे होगा नहीं, बट एक बार लास्ट टाइम ट्राई, कोई बात नहीं जाने छोड़ो। तो वैसे मुझे और भी कुछ ट्राई करना है इस गेम के अंदर, तो एक बार लास्ट टाइम ट्राई था तो नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। सबसे मैंने अभी अभी किया इसलिए शायद नहीं हो रहा है, बट थोड़ा से आएंगे सब हो जाएगा। तो अभी और कुछ नहीं क्या है, नहीं मेरे सबसे एक ही चीज़ थी यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मतलब चल दे कुछ स्टाइल में। कोई पोंगा आदमी चल रहा है यहाँ पे सबसे बाथरूम है,
तो बाथरूम में तो हमें फिलहाल कुछ काम नहीं है, बाथरूम वगैरह तो फिलहाल आई नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये अपनी इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ खाली, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास, गन्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके अंदर गन्स होती है या नहीं मुझे वो भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, चलो चलते फटाफट अपने अभी घर के लिए। इस कार में बैठते हैं और सीधा निकलते हैं अभी। इस कार की बोनट एकदम खुला है, बंद भी नहीं होता, पता नहीं क्या चल रहा है इसका। पीछे खुलता है क्या? नहीं पीछे का नहीं खुलता है, मेरे सबसे आगे का ही खुलता है। पहले बंद करता हूँ इसे, एक मिनट। पर बंद कैसे होता है? हाँ फाइनली हो ही गया ये बंद। तो अब बैठे इस कार के अंदर, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मतलब सिग्नल वगैरह देख सकते हैं। इस गेम्स के जो मेकर्स हैं उन्होंने इस काम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस गेम को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश भी की है, और गेम काफ़ी बेहतर बन भी चुका है। मतलब पानी के टेक्सचर देख सकते हैं, रोड पे पानी गिरा हुआ है वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारे मिशन होंगे जो हम आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। तो अगर इस वीडियो में बताइए, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो। और एक मिनट, इस कार के टॉप स्पीड क्या है मैंने तो कोई नहीं देखा हूँ, तो वो भी देखेंगे। तो वैसे स्टूडेंट तो कैसे लिए आपको ये वाली वीडियो का, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करो, नए होने सब्सक्राइब करो, और गाइस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर सेट। तो वैसे स्टूडियो में तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।